जहन दोस्तों 30 तारीख 30 सितंबर को एक बहुत बड़ा दिन है और यहां पर फैसला होने वाला इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेकर। नया रोस्टर है, नई बेंच है, नए जज साहब हैं, क्या निर्णय होगा? बिल्कुल, और इस बार डेट भी लगभग 1.5 से 2 महीने बाद मिली है। पहले हर महीने में 2 बार मिलती थी, आपने देखा होगा। और इस बात क्या है तैयारी, क्या है हमारी उम्मीदें, इसको लेकर सीधा वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के वीर बहादुर सिंह, जिनकी टीम 2018 से लगातार दिल्ली हाई कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर के कानूनी लड़ाई लड़ रही है। सारे एविडेंस प्रस्तुत किए, बिल्कुल, और भी दूसरी वकील साहिबाएं वो ही बात कर रहे हैं। इसमें कुछ आशा है क्योंकि बार बार तारीख पे तारीख लग रही है, तो आशा पे उम्मीद पे तो दुनिया कायम है सर। कोर्ट को चीजें समझ में आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें क्योंकि बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बजट फाइनेंशियल बहुत बड़ा एस्पेक्ट इन्वॉल्व है कि देर है अंधेर नहीं है। यानी हमारे जीवन को क्या ज्यादा खतरा है या अफसर के जीवन को ज्यादा खतरा है, किसको आपने क्या आधार रखा है मिलिट्री सर्विस पे का? आप एमएनएस को 10,500 दे सकते हो, एक जवान और जेसीओ को 5,200 देते हो, आखिर आपका आधार विहीन है। और ये सारे एविडेंस आरटीआई से लेकर के हमारी बहुत अच्छी बहस तक पहुंच चुके थे, लेकिन दुर्भाग्यवश कभी रोस्टर कभी जज साहब चेंज हो रहे हैं। कोई बात नहीं, हमने धैर्य नहीं छोड़ना है और इसकी लड़ाई, इसकी अगली सुनवाई 30 सितंबर को है। इसको लेकर के सीधी बात वीर बहादुर सिंह जी ने क्या कहा है, जरा आप सुनिए समझिए। और कोई बात नहीं, ये लड़ाई कानूनी है, जारी रहेगी, लेकिन उम्मीद है कि जज साहब बिल्कुल सटीक और सही समय पर डिसीजन देते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। तो क्या हमें कुछ न्याय मिलेगा, और न्याय मिलेगा तो किस प्रकार का न्याय मिलेगा, क्योंकि तैयारी हमारी पूरी है दोस्तों। और देखिए सीधी बात, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का बहुत लंबे समय बाद, कभी 1 महीने में 2 या 3 हियरिंग होती थी, अभी लगभग 1.5 से 2 महीना है। और आई थिंक 30 तारीख को इक्वल एमएसपी को लेकर सर आपकी क्या तैयारी है? देखिए हम लोग 4 बैठे हुए हैं, इस बार रोस्टर चेंज हुआ है और फिर नए जज आ गए हैं। और जो उनके बारे में फीडबैक आया है वो ये आया है कि वो बड़ी त्वरित ढंग से सुनते हैं। इस बार भी हमारी जो डेट लगी है, जो लिस्टिंग हुई है, वो 8 नंबर पे हुई है, तो 8 नंबर पे है तो डेफिनेटली सुनवाई होगी और 30 तारीख को है। तो जो नए जज साहब आए हैं जिनके बेंच में लगी हुई है, उनके बारे में ये कहा गया है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है उसी तरह फास्ट है और फास्ट निर्णय देते हैं, तो होपफुली इस बार हम लोग जल्दी इसको क्लोज कर पाए। बहुत बहुत अच्छी बात है, यदि आप सोचना चाहते हो तो आप ये वीर बहादुर सिंह जो कि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के केस को लेकर के माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में 2018 से लगातार केस लड़ रहे हैं। बहुत सारी आपने न्यूज सुनी होगी, तो अब सामने ये कह रहे हैं कि रोस्टर बदला है, जज साहब बदले हैं, लेकिन हमारा ऐसा उनके जो फीडबैक मिला है कि जज साहब बहुत जल्दी केस के ऊपर निर्णय देंगे। और 8 नंबर पर आपका केस लगा है और 30 सितंबर यानी आज आप समझ सकते हो, और 28 तारीख है, 2 दिन बाद इसकी सुनवाई होगी और पॉजिटिव कुछ न कुछ निकल के आएगा। यानी लगातार इस तरीके का संघर्ष हमें हमारे पेशेंस हमारे धैर्य को नहीं डिगा सका, लेकिन लंबा बजट है, लंबा काम है, बहुत सारे लोग इसको आप समझ सकते हो, और जनरल सीडीएस रावत साहब भी इस केस को लड़के आगे तक लड़े थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो शायद सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन अब ये लीगली आगे प्रोसेस हो रहा है, तो समय लगता है, धैर्य भी रखना है। और रही बात आरोपी 3 की विसंगतियों को लेकर, आपने सीधा प्लान सुन लिया होगा कि आखिर विसंगति इस तरीके की, उन्हीं से पूछा जाएगा कि आपने आरोपी 3 की टेबल किस प्रकार बनाई है सर। और आप हमारे व्यूवर्स को, अपने सैनिकों को, वेटरन्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, या कुछ एजिटेशंस के बारे में, या किस प्रकार का सहयोग चाहते हो सर पॉजिटिवली? देखिए अभी हम लोगों ने एजिटेशन का प्लान नहीं किया है, पहले हमारे सामने एमएसपी का केस है उसको देख लें, जो डाटा है उसको कलेक्ट कर लें, फिर आगे इस पे हम लोग विचार करेंगे, बातचीत करेंगे। ओके, जैसा कि कहा है कि नहीं, हमें पहले अपने कागज और डॉक्यूमेंट अथेंटिकेशन टाइप पूरे तैयार करने हैं, और इन सब चीज़ों को हम एक मीटिंग में एक बार उन्होंने कहा है, जैसे इनकी लगातार पीरियडिकली होती है, उसको करें, उसके बाद क्या रिस्पॉन्स मिलता है फिर हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। तो दोस्तों यदि किसी का सवाल है, मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यदि आप 2023 में रिटायर्ड हुए हैं और यदि आप सिपाही हैं या आप प्रीमेचर तो कंसीडर नहीं किए गए, कलर सर्विस वाले हैं, तो अपना पेंशन का डाटा हमें भेज सकते हो, अदरवाइज
मैं सर का मेल आईडी दूंगा, आप उस पर भेज सकते हो, ताकि आपका सहयोग, आपका सहयोग की बहुत जरूरत है, क्योंकि सारा डाटा सर के पास नहीं हो सकता, किसी के पास भी नहीं हो सकता। किसी भी रैंक के, यदि आप सिपाही से लगाकर सूबेदार मेजर हैं और ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन है, आपकी लेंथ ऑफ सर्विस, ये चीजें आपको लगता है कि आपकी प्राइवेसी, प्रीमेच्योर वाले भी अपना डाटा दे सकते हैं, और आपको लगता है कि आप पीपीओ देने में आपको है, तो मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा आपके अकाउंट की जो पर्सनल बेसिक डिटेल है उसको आप बिल्कुल मिटा सकते हो, जो भी तरीके से हाईलाइटर लगा के अलग कर सकते हो, ताकि आपकी ये सब चीजें मैटर न। सर आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और आपकी तरफ से मैसेज तो बता सकते हो सर? बस हम लोग लड़ रहे हैं और निराश नहीं होना है, ये तो लड़ाई कंटिन्यू है, चलती रहेगी जब तक न्याय ना मिले, और जब तक न्याय नहीं मिले हम लोग चुप नहीं रहेंगे, और पूर्व सैनिकों को भी चुप नहीं बैठना है, वो भी कहीं ना कहीं किसी न रूप में हमें राष्ट्र की, अपने सैनिकों की सेवा करनी है। ये कहा है कि नहीं, हमें बिल्कुल एक डिसिप्लिन फोर्स से है, हमें पेशेंस रखना है और अपनी लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ी जाए, एजिटेशन द्वारा की जाए, जो भी चीज़ें हमारे लिए उपयोगी होंगी हम उसको अख्तियार करेंगे, उसको अडॉप्ट करेंगे। पहली लड़ाई है कि आखिर ORP 3 बनी कैसे, इसकी RTI के द्वारा पूरी इंफॉर्मेशन ली जाए, और हम अपना डाटा कलेक्ट करें, एनालिसिस करें और आगे जाएं। इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा आश्वस्त हो कि बराबर होगी नहीं होगी, इसका फैसला नए जज, और 30 तारीख को जो भी रिपोर्ट्स आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर धन्यवाद, थैंक यू सो मच।